आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल कन्या पूजन के लिए सूजी का हलवा। तो हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी, घी, ड्राई फ्रूट्स, चीनी, घिसा हुआ नारियल, इलायची पाउडर और पानी। इन सबका मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो कढ़ाई में हम करेंगे 2 चम्मच घी। घी हल्का गर्म हो जाएगा तो हम उसमें ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करेंगे। जब ड्राई फ्रूट्स 80% रोस्ट हो जाएंगे तब हम उसमें डालेंगे किशमिश। इसको करीब 1 से 2 मिनट और जलाने के बाद हमारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में 1/2 कप घी करके हम उसे गर्म होने देंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तो हम उसमें सूजी डालकर सूजी को भूनेंगे। हमें अच्छे से चलाकर घी में सूजी को मिला देना है। सूजी को हमें मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। बीच बीच में 3-4 बार 15 से 20 सेकंड के लिए हम फ्लेम हाई करके लो कर देंगे, जिससे सूजी थोड़ी जल्दी भुन जाएगी। करीब 10 मिनट भुनने के बाद हमारी सूजी ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी डालते वक्त गैस से थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि कढ़ाई काफी गर्म होगी तो पानी उफन कर बाहर भी आ सकता है। तो करीब 4 कप पानी डालने के बाद हम सूजी को पानी में अच्छे से मिलने तक चलाएंगे और इसके बाद करीब 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे चीनी और इसको मिक्स करेंगे, जिससे चीनी अच्छे से सूजी में घुल जाए। फिर हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स और इन सबको अच्छे से हलवे में मिक्स कर देंगे। लास्ट में हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ नारियल। इसको मिलाएंगे और हलवे को 3 से 4 मिनट और पकाएंगे, या फिर तब तक जब तक हलवा कढ़ाई ना छोड़ दे। तो आप देख सकते हैं हलवे ने कढ़ाई छोड़ दी है, इसका मतलब हमारा हलवा बनकर तैयार है। तो इस बार कन्या पूजन पे इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक द रेसिपी देन गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेसिपी अपडेट्स। थैंक यू।